हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने अपराजिता के फूलों से कुछ अच्छा, एक मतलब एक तरह से समझ लीजिए कुछ अलग कुछ बनाने वाली हूँ। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा और आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा है। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अपराजिता के फूल आप लोग को कितने अच्छे लगते हैं और किस कलर के अपराजिता के फूल आपके पास हैं और मेरी वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास दो कलर के अपराजिता की फ्लावरिंग हो रही है, एक वाइट कलर है और एक ब्लू। ब्लू थोड़ा सा सैडेड है और इसके फ्लावर से हमने ये देखिए छोटा सा, इसको डक भी कह सकते हैं आप, मोर भी कह सकते हैं। मैंने कुछ कुछ नया नया तरीका इसमें इस्तेमाल किया है और इन्हीं फूलों से मैंने और भी आगे बहुत कुछ बनाया है। मेरे बच्चों ने भी कुछ इसमें अपनी कलाकारी दिखाई है। अगर आपको भी अपने अपराजिता के प्लांट में ऐसी फ्लावरिंग चाहिए तो आप जो भी फूल इसके सूख जाते हैं उन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि अगर उन्हें आप नहीं निकालेंगे तो बीज बनने लगेंगे और फिर हमारे प्लांट से फ्लावरिंग बहुत कम होगी। मैं यही पर डे करती हूँ और देखिए रिजल्ट आपके सामने है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग है। अभी इसके जो प्लांट्स में जो फ्लावर्स है उसका भी वीडियो आगे है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वीडियो वॉच करिएगा, तभी आपको जाके पता चलेगा कि कैसी फ्लावरिंग हो रही है मेरे अपराजिता के प्लांट्स में। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड फॉलो फॉर मोर।